हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेलकम टू अल्फा यस एकेडमी साइंस एंड टेक सीरीज. वी आर एट दी लेक्चर नंबर 2. अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में एंशियंट एंड मेडिवल के साइंटिस्ट देखे कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा भारत के साइंस फील्ड में. और इस लेक्चर में हम लोग कंटेम्प्ररी साइंटिस्ट को देखेंगे जो कि आपने जिनका नाम सुना होगा. ठीक है, हो सकता है कि आपने जो पिछले लेक्चर में साइंटिस्ट थे उनका नाम ना सुना हो, बट देन मेरा यह दावा है कि इस लेक्चर में जो साइंटिस्ट आएंगे या बुद्धिजीवी आएंगे उनका नाम आपने जरूर सुना होगा. तो आइए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट वन, अगर आप गैस करना चाहें तो गैस कर सकते हैं. ऑफ कोर्स अगर हमने उनका उनके नाम से स्टार्ट नहीं किया तो इट वुड बी वेरी अनफेयर. ठीक है, ही इज़ आर वेरी बिलवड श्री श्रीनिवास रामानुजन जी. ही वॉज बॉर्न इन 1887 एंड डाइड इन दी 1920. इनफैक्ट इनका जन्म 22 दिसंबर को हुआ, जिसको आप लोग सब नेशनल मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स डे के नाम से भी जानते हैं या मनाते हैं. ठीक है, इन्होंने जो है बहुत सारा काम किया और बड़े यंग थे ये. इनफैक्ट इनको द मैन हु न्यू इन्फिनिटी भी बोला जाता था. ठीक है, एंड एक्चुअली 13 साल की उम्र में इन्हें एक बुक मिल गई जी एस कार की. उस बुक का नाम था सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन मैथमेटिक्स, इन प्योर मैथमेटिक्स. ठीक है, तो उससे बड़े प्रभावित हुए. उसके बाद इन्होंने बहुत सारी एक पेपर निकाला बर्नौलिस नंबर्स पे. देखो, श्रीनिवास जी ने ना बहुत कुछ दिया है. अब मेरे को खुद नहीं, अब बर्नौलिस नंबर अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो देन वो हमारा क्षेत्र नहीं है या हमें वो सब नहीं पढ़ना है, बट बर्नौलिस नंबर दिया. फिर उन्होंने उन्हें एक बुक मिल गई जी एच हार्डी की, उसका नाम था ऑर्डर्स ऑफ इन्फिनिटी. ठीक है, अब जी एस हार्डी की इस बुक से, अब बाद में रामानुजन हार्डी नंबर भी हम आपको बताएंगे. जी एस हार्डी की बुक से उन्होंने क्या किया कि उसमें से निकाल के उन्होंने 120 थ्योरम और फॉर्मूले जी एस हार्डी को लिख के भेज दिए. तो हार्डी साहब को लगा यार ये बंदा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, इसे बुला लो. इसे फिर इन्हें लंदन बुलाया गया, उन्होंने टिकट भेजा. एंड 1917 में जो है रामानुजन जी को लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी का मेंबर बनाया गया था, एंड वो फेलो भी रहे एट द रॉयल सोसाइटी. एंड 1976 में उनकी डेथ के बाद उनके जो नोट्स थे, उन ये एक जॉर्ज ई एंड्रयूज थे, उनको मिले. और उन्होंने एक और प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ब्रूस सी बर्ंड, इन्होंने मिलके एक बुक लिखी. उसमें था, उस बुक का नाम था रामानुजम्स लॉस्ट नोटबुक. ठीक है, और मतलब मैथमेटिकल जीनियस थे यार रामानुजम जी ना, मतलब खतरनाक खतरनाक चीजें देते थे, खतरनाक खतरनाक चीजें लिख देते थे. ठीक है, और रॉबर्ट केनिगल वो आदमी थे जिन्होंने उन्हें द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के नाम से बुलाया, मैन हु न्यू इन्फिनिटी के नाम से बुलाया. ठीक है, तो ये जो है उनके शुरुआत की बात है. उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर हम मैं आपको बताऊं तो उन्होंने, मैं बस आपको नाम लेते जाता हूँ, इनफाइनाइट सीरीज, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, नंबर थ्योरी, मैथमेटिकल एनालिसिस, हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज, रीमैन सीरीज, इलिप्टिक इंटीग्रल्स, डाइवर्जेंट सीरीज, द फंक्शन इक्वेशंस, जीटा फंक्शन, इन सब पे जो है उन्होंने बहुत वर्क किया. ठीक है, एंड उन्होंने जो है एक रामानुजन सम भी निकाला था, जो बेसिकली डीएनए सीक्वेंसेस या उसको एनालाइज करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है. उन्होंने दो चीज़ें और दी थी, एक थी मॉक थीटा फंक्शन. या आप हार्ड कोर मैथ्स में पढ़ते हो, अगर आप जाएंगे कि कोई मैथ्स ऑनर्स का बच्चा होगा तो उसने जरूर पता होगा, या कोई पीएचडी होगा उसने, ये मॉड्यूलर फंक्शंस उन्होंने जरूर पढ़े होंगे, मॉड्यूलर फंक्शंस दिए थे. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात आते हैं, उन्होंने एक नंबर दिया 1729. ये 1729 जो है ये हार्डी रामानुजम नंबर है. ये ऐसा नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इट इज़ दी सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज. ठीक है, एक तो आप इसको 1 का क्यूब + 12 का क्यूब लिख सकते हो. ठीक है, एक इसको आप 9 का क्यूब + 10 का क्यूब लिख सकते हो. तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिनको सम से, दो अलग अलग सम से जो है क्यूब के सम से लिखा जा सकता है. तो 1729 इज द हार्डी रामानुजम नंबर. ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं. अच्छा, नोट्स में जो है ना वो ऐसे लिखा होगा 1 3 या 1 2 3, वो 1 की पावर 3 + 12 की पावर 3 है. ठीक है, नोट्स में आप देख लें, नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, साइट पे मिल जाएंगे. नहीं मिलेंगे तो एक नंबर हम लास्ट में आपको देंगे, उस नंबर से आप जो हमें मैसेज करिएगा और हम आपको भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. देन द नेक्स्ट इज चंद्रशेखर वी रमन. ही वॉज बॉर्न इन 1888 एंड डाइड इन 1970. आप इनको सर सी वी रमन के नाम से भी जानते हैं.
और इनका जो बर्थडे होता है वो फेब 28 होता है, जिसको आप लोग नेशनल साइंस डे के नाम हिसाब नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। सी वी रमन जी एक साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। इन्होंने ह्यूमन वेलबींग एंड ह्यूमन डिग्निटी के लिए काम किया। और ये जो नोन थे वो थे समथिंग कॉल्ड एज मॉलिकुलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इन्होंने जो है बेसिकली बताया कि जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से कोई भी लाइट गुजरती है तो वो कैसे स्कैटर होती है, ठीक है, और उसी को नाम दिया गया रमन इफेक्ट का। और इसी के लिए उनको 1930 में नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया। एंड ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू गेट नोबल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, ठीक है। इनफैक्ट ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू गेट द नोबल प्राइज एट दैट टाइम। एप्लीकेशन की मैं बात करूँ तो इसकी एप्लीकेशन, रमन इफेक्ट की एप्लीकेशन एक बार पूछ ली थी कहीं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, तो केमिकल इंडस्ट्री में है, देन आपका नैनो टेक्नोलॉजी में है, ठीक है, और बायोमेडिकल एप्लीकेशन भी है इसका, ठीक है। अब बात करते हैं, और इनफैक्ट एक और नई फील्ड है आप नार्कोटिक्स एंड एक्सप्लोजिव्स में भी है, ठीक है। तो ये थी बात सर सी वी रमन जी की। नेक्स्ट हैं हमारे जगदीश चंद्र बोस जी, जेसी बोस, एंड बड़े ही एक टाइप के रेवोल्यूशनरी आदमी थे। 1858 में इनका जन्म हुआ, 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये इनका जन्म हुआ था आपका मयमनसिंह एक जगह है, अब वो बांग्लादेश में है। उस टाइम अनडिवाइडेड भारत था, 1858 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस टाइम बांग्लादेश तो बहुत बाद में बना, 1947 में विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का, उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बना 1971 में, वो अलग बात है। 1971 में फिर ईस्ट जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था वो आपका टूट के बांग्लादेश बना था। देन 1858 में अच्छा हुआ क्या कि ये पढ़े हुए थे अपना जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से। अच्छा इनको जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है कलकत्ता में ही, वहाँ पे इनको एसोसिएट प्रोफेसर इनको 1885 में नियुक्त किया गया। अच्छा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सैलरी लेने से मना कर दिया। अच्छा क्यों मना कर दिया इन्होंने सैलरी लेने से मना, क्योंकि वहाँ पर जो इंग्लिश प्रोफेसर थे उनको डबल सैलरी मिलती थी। मान लिया इनको जो है आधी सैलरी दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं सैलरी लूँगा ही नहीं। बट देन इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये इनका इलेक्ट्रिक वेव्स में बहुत तगड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एक पेपर लिखा था इन्होंने, द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन एंड पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रे, इसके लिए इनको बहुत सम्मानित किया जाता है। इसके लिए इनको 1970 में नाइटहुड होता था ना, इंग्लैंड जो है नाइट्स घोषित करता था अपना, है ना, वो देखा होगा आपने, वो ऐसे क्वीन जो है, अब तो क्वीन चली गई है, बट द अब जो किंग हैं क्वीन है वो तलवार से ऐसे ऐसे साइड में रख रहे हैं और वो चेयर पे लगा के घुटना टेक के बैठे हैं क्वीन के सामने। तो उनको जो है नाइटेड किया गया था 1917 में। उन्होंने एक चीज़ बनाई थी, इन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए, जो जगदीश चंद्र बोस जी थे इन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए, उसमें से एक था क्रेस्कोग्राफ, ठीक है भाई। क्रेस्कोग्राफ पता है, क्रेस्कोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्लांट ग्रोथ को और मूवमेंट को बहुत बारीक बारीकी से पढ़ता है। इनफैक्ट वो उसकी मिलियंथ, अगर मैं 1/10^1 मिलियंथ की बात करूं, 1/1 मिलियन या 1 मिलियंथ की बात, मिलियंथ जो उसकी प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट है उसको भी वो रिकॉर्ड कर सकता है। इनफैक्ट क्रेस्कोग्राफ से हमें पता लगा कि जो है आपका प्लांट्स में जो है मूवमेंट होती है, प्लांट्स भी जो है ग्रोइंग है। और इनफैक्ट बोस ही वो थे जिन्होंने मेटल को स्टडी किया, इनफैक्ट इतनी डिटेल में उन्होंने स्टडी किया कि अगर आप उनकी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर आप सीजर्स या जो भी आपकी मशीनरी है वो भी क्या होती है, अगर आप उसे लगातार यूज़ करते रहेंगे तो वो भी एक टाइम के बाद टायर्ड हो जाती है, और जब आप उन्हें रेस्ट देते हो तो वो अपनी एफिशिएंसी गेन करती हैं वापस, ठीक है, अपनी एफिशिएंसी दोबारा गेन करती हैं, ठीक है। यदि बात जेसी बोस जी की, देन मोक्षा गुंदम विश्वेश्वरिया जी, ये बंदे जो हैं थोड़ा सा अलग, ये एक्सपेरिमेंट में नहीं, ये है जमीन वाले बंदे हैं अपने, ठीक है। 1861 में इनका जन्म हुआ था कर्नाटका में, ठीक है। और इनको जो ये बेसिकली बहुत ही तगड़े बंदे थे ये, और इंजीनियर थे, और इन्होंने वाटर हार्नेसिंग और जो आप डैम वैम देखते हैं ना आज के टाइम पे, जो हम डैम बनाते हैं इंडिया में, अच्छे अच्छे डैम्स बने हुए हैं, इस दो क्षेत्र में बहुत खतरनाक तरीके का काम किया इन्होंने। ये चीफ इंजीनियर भी रहे मैसूर स्टेट के, फिर उसके बाद वो 1909 में, उसके बाद दीवान बने ये 1912 में मैसूर स्टेट के, ठीक है। एंड आप जो आज देखते हैं डैम्स वगैरह, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। इनफैक्ट एक आपका डैम है कृष्णा
कृष्णा राजा सागर डैम, कृष्णा राजा सागर डैम, उसको उसके चीफ इंजीनियर थे, ठीक है। इन्होंने एक चीज़ बनाई थी, उसको कहते हैं ऑटोमेटिक वियर फ्लड गेट्स, फ्लड गेट सिस्टम बनाया था ताकि फ्लड्स ना आ सकें, ठीक है। देन उन्होंने एक ब्लॉक सिस्टम बनाया था, ठीक है, ब्लॉक सिस्टम इसलिए कि ताकि जो डैम से पानी ओवरफ्लो होता है वो ना हो, ठीक है। उसके बाद मूसी रिवर हैदराबाद में 1908 में क्या हुआ कि बहुत बाढ़ आ गई उसके चलते, तो वहाँ पे भी उन्होंने एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया जिससे कि उस हैदराबाद में दोबारा बाढ़ ना आ सके, ठीक है। तो सच वॉज द काइंड ऑफ डेडिकेशन, एंड यू नो ये लोग जो है किस पैसे वैसे के लिए नहीं, पैसा तो उनको मिल ही जाता था, दीवान थे वो मैसूर स्टेट के, मैसूर स्टेट वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्टेट्स था इंडिया का उस टाइम पे, बट देन ये लोग जो है अपने काम के लिए बड़े पैशनेट थे, ठीक है। इसीलिए इनको जो है इंडियन इकोनॉमी भी इनको इन्होंने प्लान की थी 1934 में। इन्होंने इनफैक्ट दो बुक भी लिखी हुई हैं, उन बुक्स का नाम है रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया और दूसरी का नाम है प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है। देन नेक्स्ट द डूड ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर साइंस, द बॉस ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर साइंस और द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर साइंस, आवर वेरी ओन होमी जहांगीर बाबा जी, बॉर्न इन 1909, डाइड इन 1966। ही वॉज अ वेरी जॉली पर्सन। इनफैक्ट इफ यू नो वॉन्ट टू नो अबाउट होमी जहांगीर बाबा विक्रम साराभाई, देर इज अ सीरीज कॉल्ड रॉकेट बॉयज, इट्स इन सोनी लिव आई थिंक, अ वेरी नाइस सीरीज, आप इसको देख सकते हैं। एंड यू नो यू कैन सी दैट कि पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, लाइफ को इंजॉय भी करना होता है, और आप इंजॉय करते करते लाइफ को अपना काम कर सकते हैं, अपने काम को भी इंजॉय कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को एक जो है हैप्पी बना सकते हैं, उसमें प्यार ला सकते हैं, घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को, है ना। यू कैन हैव सम कपल ऑफ ड्रिंक्स, एंजॉय लाइफ, बट देन यू शुड बी वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री, बिकॉज इट इज यू हु विल मेक दिस कंट्री ग्रेट अगेन, बिकॉज वी वर ग्रेट वंस, ठीक है। तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस, जो आप न्यूक्लियर में जितना भी आज काम देखते हैं तो वो इन्होंने ही किया था। एंड इन्होंने इन्होंने ही जो है आपका जो बार्क है, भाभा अटोमिक रिसर्च सेंटर, जो कि ट्रॉम्बे में इस्टेब्लिश किया गया था उस टाइम, अब वो बॉम्बे के एक पास पास जगह पे है, बाक इन्होंने इस्टेब्लिश किया। और जो इंडिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर था, जिसका नाम क्या था, एटॉमिक रिएक्टर का नाम था अप्सरा, ठीक है, तो अप्सरा भी जो है इन्होंने ही बनाया था। फिर इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे हमारे डॉक्टर विक्रम अंबालान साराभाई जी, 1999 में इनका जन्म हुआ, 1970 में इनकी डेथ हुई, एंड ही इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है जिसे आज आप इसरो के रूप में देखते हैं, वो इन्होंने ही बनाया था। इनफैक्ट ये अहमदाबाद से बिलोंग करते थे, और वहाँ अहमदाबाद में इन्होंने स्टैब्लिश करी थी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, PRL स्टैब्लिश की थी इन्होंने वहाँ पे इन द ईयर 1947, एंड यही PRL आगे चल के इसरो बनी थी। एंड रॉकेट बॉयज में आप देखेंगे ये भी बहुत तगड़े बंदे थे, और आज आप जो भी सेटेलाइट वेटेलाइट उड़ती हुई देखते हैं उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। एंड यू नो ही वॉज अवॉर्डेड विद द पद्म भूषण इन 1966 एंड देन पद्म विभूषण इन 1972। ओके, नाउ माई फेवरेट, माई गुरु एंड माई मेंटर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, ठीक है। एंड ही वॉज बॉर्न इन ऑन 15 अक्टूबर 1931, एंड आई हैव लाइक एन नंबर ऑफ स्टोरीज टू शेयर अबाउट हिम, बट देन आई शेयर वन विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड यू नो आई क्राइड आफ्टर आई रेड दैट। ही वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु, हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट इन अ मॉस्क, एंड ही वॉज अवॉर्डेड विद द भारत रत्न इन द ईयर 1997 फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। डॉक्टर कलाम यू नो ही वॉज एट द इसरो, एंड अंडर हिज गाइडेंस ही मेड SLV-3, दैट इज सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, एंड विच रोहिणी जो हमारी सेटेलाइट थी, ये SLV-3 ने ही इसको ऑर्बिट में पुटअप किया था। आज आप जो इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डिवेलपमेंट प्रोग्राम देखते हैं, जिसमें कि हम तीन मिसाइल्स हम लोग डिवेलप करते हैं, पृथ्वी, अग्नि, देखिए आपने अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, नाग, आकाश, त्रिशूल, ये हमारे डॉक्टर कलाम की ही देन है, उन्हीं का दिमाग था। और
he was not only a man of science, but a man of integrity, a man of ethics, a man of religion, and a man of philosophy. He was the one who integrated science, religion, and philosophy into one subject. And you know, the mixture we got was a tremendous one. And I think no one in this world will have a single word against him, because he was such a kind and a great, not only a human being, but a great soul. Thus, मैं कोई कहानी सुनाने वाला था, वो कहानी थी कि एक्चुअली एक बार डॉक्टर कलाम के एक दोस्त थे, तो डॉक्टर कलाम उस समय अग्नि पे वर्क कर रहे थे, तो अग्नि के लिए उन्होंने, क्योंकि अग्नि सैटेलाइट को हल्का बनाना था, तो उसके लिए उन्होंने एक री एनफोर्स कार्बन मटेरियल बनाया था जो कि बहुत हल्का था और बड़ा मजबूत था. अब वो दोस्त के साथ गए, स्पेशली एबल्ड एक होम था, वहाँ बच्चे जो थे बहुत सारे स्पेशली एबल्ड बच्चे थे, तो कुछ बच्चों को कैलिपर्स लगा होता. कैलिपर्स क्या होता है, जो पैर में जो बच्चे चल नहीं पाते उनको कैलिपर्स लगा होता. तो जो पहले कैलिपर्स आते थे वो लोहे के बने होते थे, वो जो होते थे बहुत भारी होते थे. डॉक्टर कलाम सॉ दैट कि इन्हें तो चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, ये तो इन्हें बहुत भारी हैं. एंड दैट मैन जो उनके दोस्त थे उनको देख के बच्चे सब डर भी गए और अटेंशन में खड़े हैं, भैया वो भारी हो रहा है. एंड यू नो डॉक्टर कलाम आस्क कि व्हाई दीज किड्स आर बिहेविंग लाइक दिस, तो उनके दोस्त ने बोला कि यार सी दिस कैलिपर्स आर वेरी हैवी एंड यू नो इट्स वेरी पेनफुल टू कैरी देम ऑल्सो एंड इट्स वेरी हैवी एंड यू नो दी बाई द मेयर fact or the by this mere fact Dr. Kalam was moved and he made the calipers using that carbon reinforced material which was being developed for the Agni missile. And you know, that's how you know we have today, we have very light weighted calipers. And you know, science is not for just for the scientific reasons, but it should be used for humanity. And he was one person who told that the humanity is utmost and science should be used for humanity. ठीक है. In fact, when he was leaving and he a very nice quote, he has that I have no belongings in this worldly sense. I have acquired nothing, built nothing, possess nothing, no family, sons and daughters. ठीक है. But then you can learn many things from him. Now next one is Har Gobind Khurana ji. Har Gobind Khurana ji got the Nobel Prize in Physiology or Medicine along with Marshall W. Nirenberg and Robert V. Holy. अब इन्होंने क्या किया, आपकी जो सेल्स होते हैं उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इन न्यूक्लियोटाइड्स में आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ये जेनेटिक कोड होता है. उन्होंने बताया कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये जो है या ये जेनेटिक, ये जो है सेल में जो है बेसिकली जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन कैसे बनता है बॉडी में या सेल्स प्रोटीन कैसे बना रहे हैं उसकी स्टडी करी. उसके लिए इन्हें जो है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी दिया गया था. और इनका जन्म 1922 में हुआ था रायपुर में. अब रायपुर से आप कन्फ्यूज मत हुए, जहाँ इनका जन्म हुआ था रायपुर वो जगह पाकिस्तान में है, बट देन द नोबेल प्राइज इज ऑफ इंडिया, डोंट वरी. ठीक है. Now the next one is Dr. M.S. Swaminathan, also known as the father of economic ecology. And ye father of economic ecology humne nahi kaha inko, this was a post or this was the honor given to him by United Nations Environment Program for his tremendous work in the field of agriculture. In fact, agar aapne green revolution ka naam suna hoga तो उसमें हमने HYB सीड्स का इस्तेमाल किया था फॉर ग्रोइंग ऑफ राइस एंड वीट, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. वो किसने बनाई थी, हमारे डॉक्टर स्वामीनाथन ने. नॉर्मन बोरलॉग थे एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, उनके साथ मिलके इन्होंने जो है इंडिया को उस कंडीशन में जब हम स्कार्सिटी हो गई थी हमारे यहाँ, हम जो है इम्पोर्ट करता था, शिप टू माउथ इकोनॉमी कहा जाता था हमें कि USA से गेहूँ की शिप आएगी तब हम खाएंगे. ठीक है. और उससे इन्होंने बाहर निकाला. तो आप लोगों को भी ऐसे ही वर्क करना है. ठीक है. ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी निकाला जाता है. इन्होंने बहुत सारे किसान कृषि विज्ञान केंद्र विकसित किए, इनको जो है इनफैक्ट पद्मश्री एंड पद्म भूषण भी दिया गया. देन द नेक्स्ट वन इज प्रोफेसर सी एन आर राव, इज स्टिल अलाइव एंड ही वॉज गिवन भारत रत्न इन 2014. ठीक है. इनको भारत रत्न दिया गया था 2014 में. एक्चुअली ये वर्क इन्होंने जो वर्क था, इनका वर्क था सुपर कंडक्टिविटी पे और मटेरियल्स एसोसिएटेड विद डेट. ठीक है. इन्होंने बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टिव मटेरियल्स के बारे में रिसर्च की थी. ठीक है. सुपर कंडक्टिव मटेरियल्स के बारे में इन्होंने रिसर्च की. ठीक है. आजकल की जो है नैनो साइंस पे काम कर रहे हैं, आजकल जो है नैनो साइंस नैनो मटेरियल्स पे इनका रिसर्च चल रहा है. देन द लास्ट वन फॉर द टुडे,
कि हमारी महिलाएं हमारे पुरुषों से कम नहीं हैं। टेसी थॉमस जी, शी इज़ नोन एज दी मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। इनफैक्ट इनका जो काम है अग्नि मिसाइल्स बनाने में, इनफैक्ट अग्नि जो 5 प्रोजेक्ट है वो इन्हीं के देखरेख में बना था। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रही अग्नि 4 की। देन इनफैक्ट शी इज़ द फर्स्ट वुमेन, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू हेड अ मिसाइल प्रोजेक्ट इन इंडिया। इसीलिए इनको एक नाम से बुलाया जाता है इंडिया में, वो नाम है अग्निपुत्री। ठीक है, आपने अग्निपुत्र सुना था, आज आप अग्निपुत्र भी हम आपको देते हैं। दैट इज टेसी थॉमस जी, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर, एंड शी इज डूइंग अ ट्रमेंडेबल एंड अ क्रेडिबल वर्क इन द फील्ड ऑफ रॉकेट्स। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू वॉन्ट नोट्स यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर, एंड इफ यू वॉन्ट टू सी द होल प्ले लिस्ट, द प्ले लिस्ट नेम इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। अदर प्ले लिस्ट नेम इज ऑल्सो इन्वायरमेंट फाउंडेशन, एथिक्स फाउंडेशन, एंड डिजास्टर फाउंडेशन एंड एग्रीकल्चर फाउंडेशन। वी हैव कम्प्लीटेड, यू कैन गो एंड आराम से आप पढ़ सकते हैं। कुछ फेसलेस कंटेंट है, कुछ फेस वाला कंटेंट है। जो भी अगर आपको गलती लगती है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम अपना कंटेंट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और हम उसको जरूर इंप्रूव करेंगे। एंड टिल देन मैं आपको कल मिलता हूँ, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, एंड कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग, एकदम खुश रहिए रहा करिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।